आत्मदेव ब्राह्मण को संत कह रहे हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण देवता आप तो ये भजन चालू कर दो, पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप पुत्र के चक्कर में पड़ोगे तो अलग जाओगे, मेरा ये ज्योतिष कह रहा। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने हट करी। संत जब कह दे वो कार्य कर लेना चाहिए, अगर हट करोगे तो आशीर्वाद तो दे देगा, लेकिन वो कार्य अगर होगा उसमें आपको दिक्कत आएगी। कभी कभी कह दे संत के अगर भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी उनके नहीं नहीं गुरु महाराज आप तो ये काम करना ही पड़े। तो अगर वो कह रहे हैं गोविंद की इच्छा होगी तो उस चीज को आप मान लेना चाहिए, ये भागवत कथा कहती है। क्योंकि आत्मदेव को संत ने संकेत दे दिया था कि ब्राह्मण देवता तुम पुत्र के चक्कर में मत पड़ो, फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण ने जब हट करी तो संत भी तपोनिष्ठ थे, भगवान के भेजे हुए थे, उन्होंने एक फल दिया कि जाओ हम तुम्हें एक फल देते हैं और इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, शायद उस गोविंद की इच्छा होगी तो तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो जाए। लेकिन संत के से जब वो फल लेके आए हैं, जिनको प्रभु दारुण दुख देगी ताकि मति तेली कर लेगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण को दुख उठाना पड़ रहा था, इसलिए क्या किया, वो फल जो उनकी पत्नी का नाम धुंधली था वो फल तो खाया नहीं, वो फल क्या किया गौ माता को दे दिया और जबरदस्ती अपनी बहन को कुछ धन दे के कह दिया कि बहन ऐसा फल लेके आए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी हमेशा जो पति कहता था वो कार्य तो करती नहीं थी। लेकिन बहन को बुलाया, बहन से चर्चा करी, देखो महात्मा की नहीं मानी, पति की नहीं मानी और बहन की बात मानी तो उनको बहुत दुख उठाना पड़ा। उस फल से जो गाय ने खाया था उससे भी पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जब बहन के द्वारा जो पुत्र आया उसका जब ब्राह्मणों ने नाम देखा तो उसका नाम धुंधकारी रहा। अब धुंधकारी तो था, धुंधकारी जैसा नाम यथा गुण, जैसा नाम था वैसे ही था ब्राह्मण कुल में, लेकिन फिर उसे कोई बच्चों को कुआं में ढकेल देता, ऐसी अवस्था थी। वो पूत का लक्षण पालना में दिख गया आत्मदेव ब्राह्मण को, तो बड़े दुखी होने लगे। फिर वो संत याद आने लगे, और एक जो ब्राह्मण था जो संत के द्वारा दिया उसका नाम गोकर्ण आया, वो तो वेद को पढ़ने वाला था, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला था, जो संत की प्रसाद वाला जो फल था वो ब्राह्मण गोकर्ण बालक था। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे, इस धुंधकारी ने पूरा धन नष्ट कर दिया, सब व्यवस्थाएं नष्ट कर गई, और पिता को भी एक दिन मरना पड़ा पुत्र की वजह से, गोकर्ण चला गया। इस तरह फिर गोकर्ण जंगल में पहुंचता है अपने भाई के उद्धार के लिए, तो यही भागवत कथा होती है। और इस भागवत कथा से ऋषियों ने पूछा कि कौन कौन करता है, इससे भागवत कथा से कई प्रकार का जो जन्म से लेकर कई पाप कर देता है, गो हत्या तक अगर हो जाती है, कोई साधु संतों का अपमान कर देता है, किसी की कोई हत्या कर देता है, मतलब कुल मिला के जितना भी संसार में इस पृथ्वी में जो भी पाप हैं वो सब पाप इस भागवत कथा के स्पर्श से दर्शन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। तो गोकर्ण ने अपने भाई के लिए ये भागवत कथा करवाई थी, और वो गोकर्ण वायु रूप होने की वजह से एक बास में आकर बैठता है। गोकर्ण जी यही भागवत कथा करते हैं और इसी भागवत कथा